हमीरपुर के टाउन हॉल में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन और पुलिस विभाग के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के शुभारंभ अवसर पर डीएसपी रेणु शर्मा ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में 30 से करीब यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें पीपीए के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमीरपुर के टाउन हॉल में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन और पुलिस विभाग के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के शुभारंभ अवसर पर डीएसपी रेणु शर्मा ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में 30 के करीब यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें पीपीए के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर एसएचओ सदर संजीव गौतम, पीपीए प्रधान रमेश, कोषाध्यक्ष मुनीश पुरी, महासचिव राजीव पुरी के अलावा प्रेस सचिव जसवीर कुमार, अरविंदर सिंह, जसवंत सिंह, नेकराम, मुन्ना वर्मा इत्यादि मौजूद रहे। एसएचओ सदर संजीव गौतम ने बताया कि पुलिस और पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और दोपहर तक काफी लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया है। उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान होता है, इसलिए सभी को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, पीपीए और हमीरपुर पुलिस के सहयोग से आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है टाउन हॉल में। इसके पीछे उद्देश्य ये है क्योंकि मानव रक्त जो है ये बहुत ही अमूल्य वस्तु है और सिर्फ मानव में ही ये चीज़ पाई जाती है, तो मानव को ही ये दान करनी पड़ेगी और मानव सेवा ही पीपीए का, पुलिस का ध्येय है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पीपीए और हमीरपुर पुलिस के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 17 यूनिट ब्लड जो है वो डोनेट किया जा चुका है, अभी चल रहा है आपके सामने ही। मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि जो भी स्वस्थ लोग हों, स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करें। रक्तदान महादान और जीवनदान। पीपीए महासचिव राजीव पुरी ने कहा कि पीपीए के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस, पीपीए के अलावा बाहरी लोगों ने भी आकर रक्तदान किया है। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए, ताकि समय पर किसी जरूरतमंद की सहायता की जा सके। पीपीए ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, क्या मुख्य उद्देश्य? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सबके अंदर ये अवेयरनेस डालें कि देखिए सहयोग से ही सब कुछ होता है। अगर हम रक्तदान करेंगे तो चाहे बेशक वो हमारा अपना है, चाहे कोई और पराया है, किसी के काम आएगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमें भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव हमारे पीपीए की तरफ से हुआ, पुलिस प्रशासन ने हमें इसमें सहयोग किया और हमारे अपने कई मित्रगण यहाँ पर आए, जिससे कई नई नई चीज़ों का पता लगता है। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो हर 3-4 महीने के बाद अगर रक्तदान करता है तो उसकी बॉडी वापस अपने ब्लड को पूरा कवर कर लेती है। इट वॉज अ ग्रेट डे। वही रक्तदान शिविर में 58वीं बार रक्तदान कर चुके पंकज भारतीय ने कहा कि सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से कई लोग घबराते हैं, लेकिन रक्तदान करने से सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि आज 58वीं बार रक्तदान करने के बाद बढ़िया महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल में 2 बार रक्तदान करें, ताकि दान किया हुआ रक्त किसी के काम आ सके। महादान होता है, जैसा कि कहा भी जाता है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अपने जीवन में 57वीं बार जो है वो रक्तदान करने का अवसर मिला है। तो मैं तो सभी जितने भी स्वस्थ महानुभाव इस धरा पर विराजमान हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि इस पुनीत कार्य में आप भाग लें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया जो रक्त है वो किसी की जान बचा सकता है। तो अगर आप रक्तदान करेंगे तो कहीं ना कहीं भूले ना भटके वो कई बार अपने ही किसी साथी सज्जन के काम आता है। तो सभी महानुभावों से मेरा ये विनम्र आग्रह भी रहेगा कि आप खुलकर रक्तदान करें और वर्ष में 2 बार रक्तदान करें, क्योंकि इससे कभी जो एक झिझक होती है कई बार मन में कि मैं अगर रक्तदान करूंगा तो मेरे शरीर से खून कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त है वो 24 घंटे में रिवाइव हो जाता है और आप सामान्यतः 3 महीने के बाद जो है वो रक्तदान कर सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता भी नहीं होती है और आप खुल के रक्तदान करिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये सबके लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। कार्यक्रम में वक्त चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।